टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक आज के सत्र में क्रैक होता हुआ नजर आया 6%। ऑटो स्टॉक्स जिसमें हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी स्टॉक्स में, आज वहीं वहीं पर ही रिवर्स गियर देखने को मिल रहा है अब। और उसमें से टाटा मोटर्स आज 400 के लेवल को नहीं संभाल पाया, 398 की क्लोजिंग दिखाई है, लगभग 6% टूटकर। और प्रॉब्लम एरिया फिर से यूके ही है, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है यूके। JLR जो कि कुल आय में 67% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो यूके से ही इनफैक्ट बहुत बड़ा एक्सपोजर है वहाँ पर। तो अभी एक खबर ये थी कि 1970 के बाद सबसे बड़ा टैक्स कटौती का ऐलान यूके सरकार ने कर दिया अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। अब टैक्स कटौती की ज़रूरत क्या आन पड़ी यूके को, यही बाजार बचाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले सत्र में हमने देखा कि यूके में गिल्ट बॉन्ड यील्ड्स एकदम से तेज़ होती हुई नजर आई थी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, निवेशकों को कॉन्फिडेंस इस समय यूके मार्केट के ऊपर नहीं है। और खामियाजा वो तमाम स्टॉक्स उठा रहे हैं जिनका एक्सपोजर यूके के मार्केट में है, जिसमें टाटा मोटर्स शामिल है। चीन में भी लॉकडाउन की खबरें हम सुनते हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी एक्सपोजर JLR का है। ऊपर से सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस तो हैं ही, जो टेंशन बनी हुई है इस समय ऑटो इंडस्ट्री की। और क्वार्टर वन में टाटा मोटर्स में आपको पता ही है कि इनका जो घाटा है वो एस्केलेट हुआ था, 4,951 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था। तो तमाम खबरें टाटा मोटर्स के लिए इस समय थोड़ा नेगेटिव बढ़ गई, और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जब ये नेगेटिव खबरें आ गई तो स्टॉक आज झेल नहीं पाया और 400 के लेवल के नीचे चला गया। इसके